उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में NH-91 पर अचानक एक कैंटर में आग लग गई। देखते ही देखते कैंटर का अगला हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। हालांकि गनीमत की बात रही कि कैंटर में सवार चालक और परिचालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम से सुबह तड़के कैंटर कुछ मशीनें लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लिए रवाना हुआ था। नेशनल हाईवे NH-91 पर तकरीबन सुबह 9 बजे बुलंदशहर के खुर्जा इलाके के अगवाल फ्लाईओवर के ऊपर कैंटर के अगले हिस्से में किसी कारण आग लग गई। दरअसल मैं गुड़गांव से माल लेकर आया हूँ। क्या माल है? इसमें मशीन लदी हुई है। हाँ। और ये मैं अलीगढ़ जा रहा था। अच्छा। और ये रास्ते में गाड़ी जो है यहीं पे जो है आग लग गई ऑटोमेटिक। अच्छा। मैं सुन गाड़ी खड़ी मतलब कूद दिए गया गाड़ी खड़ी करके। हाँ। उसके बाद सर के पास फोन लगाया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है गाड़ी में आग लग गई है। हाँ आग बुझ गई है और गाड़ी तो एकदम राख हो गई है। देखिए सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने थोड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पा लिया, मगर आग पर काबू पाने तक कैंटर के आगे का हिस्सा बुरी तरह से जलकर राख हो गया था। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।